अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं मुजम्मिल खान और आप देख रहे हैं मुजम्मिल फ़िशिंग व्लॉग। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी दरिया चनाब पे, और हमारे शिकारी साहब वो सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे आज हम खेलेंगे जी इंशाल्लाह रोहू का शिकार। और हमारा साजो सामान चेक करें, पूरी बाइक लदी हुई सामान बिस्तरे, क्योंकि यहाँ पर हम नाइट लगाएंगे। और यहाँ से मैंने निकाले हैं जी ये इस लई के पौधे के तीले, और इसको हम लगाएंगे जी डोर के ऊपर, क्योंकि इस की जो लचक होती है इसके ऊपर मोराक बड़ी ज़बरदस्त हुक होती है, तो इस वजह से हमारे शिकारी साहब भी वहाँ से तोड़ रहे हैं और मैंने भी दो तोड़े यहाँ से। तो ये देखें दोस्तों कितने शिकारी बैठे हैं, और काफ़ी सारे शिकारी ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर सारे शिकारी बैठे होते थे, और आज हम यहाँ पर खेलेंगे जी इंशाल्लाह सारी रात। सामने वाले किनारे पर शिकार अच्छा खासा लग रहा है, और वहाँ पर भी शिकारी बैठे हैं। बस जैसे हमारे शिकारी साहब अब आते हैं यहाँ पे लगाते हैं जी अपनी डोरें। तो डोरे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की लग चुकी हैं, दो ये थी मेरी और तीन यहाँ पे लगी हैं। हमारे शिकारी साहब ने भी अपना अड्डा वहाँ पे लगाया है, और अब हम यहाँ पे अपना साजो सामान खोलेंगे और यहाँ पे लगाएंगे जी अपना कैंप। तो हमारे शिकारी साहब कैंप बना चुके हैं तकरीबन, तो हमारा कैंप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये देखे दोस्तों ये डालने जा रहे हैं जी चराई, लावा डालने जा रहा है ताकि सारी रात शिकार हो। और यहाँ पे भाई साहब डोर पकड़ के खड़े हैं, और उधर ही डोर डालेंगे जहाँ पे ये लावा डालेंगे। चालने लग रही है। तो हमारे शिकारी साहब अपनी चौथी डोर लगाने जा रहे हैं। अब मगरिब का टाइम भी होता जा रहा है, और सब ने अपने लावे चेंज भी कर लिए हैं, और अब इंतज़ार है जी मछली का। इंशाल्लाह उम्मीद है रात को मछली लगेगी जो नसीब में होगी। हमारे शिकारी साहब सोते हुए, सुबह हो गई है, और रात को कोई चाल निकली आपको? नहीं, कोई चाल नहीं निकली, किसी शिकारी को कोई चाल नहीं निकली। तो ये देखें दोस्तों बाहर का माहौल, हर तरफ धुंध ही धुंध, और यहाँ पर भी शिकारी बैठे हैं बिल्कुल अपने कैंप के अंदर छुपे हुए। रात को किसी को भी चाल ही निकली। तो देखिए हमारे शिकारी साहब कैंप के अंदर किस तरीके से छुपे पड़े हैं। बाहर की तरफ सारा कैंप गीला हो गया है, लेकिन अंदर बेहतरीन माहौल है, गरम गरम। और अब माहौल देखें, यहाँ पे हमारी लगी हुई डोरें, और रात की तो चाल निकलती है, देखिए झाग सारी हुई है, लगता है ऐसे जैसे पानी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। यहाँ पे भी डोरे लगाई है हमने। हमारे शिकारी साहब वापसी की तैयारी करते हुए, और अब ये देखें ये सारा सामान निकाल रहे हैं, और ये कैंप सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे और इस छोटे से बैग के अंदर रखेंगे। तो हमारे शिकारी साहब सारी पैकिंग कर रहे हैं, बिस्तर वगैरह सारा समेत लिया है, और यहाँ पर भी जो शिकारी थे ये भी जा रहे हैं सारे। अब आखिरकार सूरज निकल रहा है, और हमारे शिकारी साहब भी सामान पैक कर रहे हैं सारा। धुंध सारी नीचे गिर चुकी है, और थोड़ी सी बाकी रह गई धुंध। हमारे शिकारी साहब अब सारे डोरों को समेट रहे हैं, और अब वापसी की तैयारी है, क्योंकि सारी रात हमें किसी को भी कोई भी चाल नहीं निकली। तो दोस्तों अब निकल रही है बेहतरीन धूप, हमारे शिकारी साहब आगे चले चुके हैं, और मैंने भी अपना सामान पैक कर लिया तकरीबन। यहाँ पे भी शिकारी जितने हैं वो सारा सामान पैक कर रहे हैं। तो अब ये देखें धुंध सारी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जी वापस घर, हमारे शिकारी साहब वहाँ सामने चले चुके हैं, और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।